बड़ी खबर हमारे पास है, वो आपको बता दें कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेकर बड़ी खबर जो है दिल्ली से सामने आ रही है। उनके दिल्ली आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने करीब 30 जगहों पर छापा मारा है और ये छापेमारी किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में की गई है। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इसी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर ही छापेमारी हुई है उनके आवास पर। ये बड़ी खबर इस वक्त, सीबीआई की 30 जगहों पर छापेमारी, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये रेड पड़ी है सत्यपाल मलिक के आवास पर, यह कहा जा रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, कहां पर ये छापेमारी हो रही है, कब से हो रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस रेड को लेकर? बिल्कुल, और हरियाणा में तो मनोज के ऑडियो में कोई दिक्कत है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताजा जानकारी उनसे हासिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आप ये जान लीजिए, पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उनके आवास पर छापा पड़ा के और कहा यह जा रहा है कि किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। यह पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है और सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। मनोज मेरे साथ लगातार बने हुए, मनोज जो भी जानकारी आपके पास है इस छापेमारी को लेकर साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2200 करोड़ रुपए का एक पावर प्रोजेक्ट था और जिसकी जांच जो है सीबीआई कर रही थी। इसमें सामने आया था कि जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी वजह से सीबीआई ने साल 2022 में ये मामला दर्ज किया था और मामला दर्ज करने के बाद अब सीबीआई जब जाँच कर रही थी, जाँच के दौरान इसमें सामने आया कि अलग अलग लोगों को घूस दी गई थी। सिर्फ ये जो छापेमारी है सत्यपाल मलिक के घर पर ही नहीं चल रही है, बल्कि जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे उनके यहाँ पर भी ये छापे मारी लगातार सीबीआई की चल रही है। सीबीआई ने साल 2022 में इस मुकदमे को दर्ज किया था और जो किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट था ये 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें जांच के दौरान ये सामने आया था कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, यानी कि 300 करोड़ रुपए की जो घूस है वो दी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जाँच शुरू की थी और जाँच में कहीं ना कहीं जो लोगों के नाम थे वो सामने आए थे और उसी के बाद अब सीबीआई की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, जिसमें जो पूर्व उपराज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक उनके यहाँ तो रेड चली रही है, इसके अलावा प्रोजेक्ट से जुड़े जो लोग थे उनके यहाँ पर भी सीबीआई की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर है, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में करीब 30 जगहों पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सुबह 7 बजे से जो छापेमारी है वो चल रही है। जी बिल्कुल ठीक है मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट उससे दर्शकों को हम रूबरू करवाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।